हल्द्वानी में विगत दिनों शोरूम में हुई चोरी का खुलासा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने बताया कि पिछले दिनों शोरूम में हुई तिजोरी की चोरी को मध्य प्रदेश के चार शातिर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने काफी मेहनत के बाद मध्य प्रदेश से दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तकरीबन 2 क्विंटल भारी तिजोरी और 2,30,000 रुपये भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार 14 अक्टूबर को रात को शोरूम में यह चोरी हुई थी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जो चोरी हुई थी 14/15 की रात में, उसमें चार अभियुक्तों के द्वारा एक शोरूम में चोरी की गई, और जो शोरूम में जो चोरी थी उस जो तिजोरी थी उसको ये उठाकर अपने साथ ले गए। हमारी जो टीम है उसने दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, और एक गाड़ी जो उन्होंने चोरी में यूज की थी उस गाड़ी की बरामदगी की है। इन दो अभियुक्तों के कब्जे से 2,30,000 रुपये बरामद हुए हैं। बाकी दो अभियुक्त जो हैं वो अभी गिरफ्तारी तो शेष है, और बाकी की जो चोरी की रकम है वो भी उनके कब्जे से बरामद होनी चाहिए।